चलो गाइस थोड़ी देर अभी बीवी के साथ बैठ के कुत्ती के मिनी टॉक्स कर लें, फिर आपसे बात करते हैं। स्टार्टिंग दिस व्लॉग वेरी लेट, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर आज सुबह से मेरा बहुत काम था। कल मेरी मेड नहीं आई थी तो काफ़ी काम था, एंड टुमारो वी आर लीविंग फॉर आर ट्रिप, तो पैकिंग सारी बाकी है। मेरे प्रेस की वह कपड़े नहीं आए तो मुझे पैकिंग करना बहुत बाकी है, एंड आई हैव टू पैक अकॉर्डिंग टू माई लुक बुक सो दैट और कॉन्टेंट भी जनरेट हो। मुझे अपनी घड़ी ठीक करवानी है, दो मतलब उसका पीछे का कुंडा निकालना है, सो आई एम गोइंग टू गेट मतलब take along with me two watches which my both the dads have given me recently. Wait, let me show. I'm not doing any show off. ये copy भी हो सकती है, कुछ भी है, मैंने नहीं अपने आप को gift करी है since long time, and nor Aditya have gifted me. This is like a Diwali gift, so इसको show off मत समझना please. मेरे को इतनी एक्सपेंसिव चीज़ों का शौक भी नहीं है, सो हाँ, एंड लकीली मेरे को दो ऐसी इस बार दोनों तरफ से वॉचेस मिली हैं, एंड दोनों वॉचेस बिल्कुल ऑपोजिट है, सो मेरे पास ये दोनों कलर्स नहीं थे। हाँ, मेरे पास सिल्वर में है, बट आई लव मेन वॉचेस मोर, सो मुझे दो वॉचेस मिली और दोनों बहुत अच्छी। सो दिस इज़ द फर्स्ट वॉच विच माई फादर इन लॉ गिफ्टेड मी। इस वॉच का कुंडा निकाल चुकी हूँ, बट स्टिल एक और निकालना है, ये थोड़ी सी लूज है। कर भाई फोकस। सो आई लव दिस कलर, इट्स अ गोल्ड रोज कलर एंड इट्स रियली वेरी नाइस। ये स्टड वाली मैं नहीं ऐसे पहनती। नाउ आई एम गोइंग टू टेक बोथ ऑफ दीज फॉर ट्रैवलिंग। आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड थॉट टू टेक बोथ दीज स्टडेड टू गोवा एटलीस्ट, बिकॉज बट आई वॉन्ट गो इन वाटर, तो मैं ज़्यादा करके पानी में तो जान ही नहीं वाली। आई नो आई एम नॉट अ बीच पर्सन एट ऑल, सो दिस इज़ द अदर वन। लेट्स सी आदित्य विल टेल मी कि दोनों क्यों लेके जा रही है, एंड दैट टू द न्यू वंस, इट्स बेटर दैट आई टेक वन। सिर्फ आदित्य का अलमीरा कुछ है ही नहीं उसमें। ओके, सो दिस इज़ आर वॉच कलेक्शन, इसमें बहुत सारी वॉचेज हैं। आई थिंक ये आदित्य की हैं, दुकान है ऐसे लग रही है, बट दिस इज़ लाइक लॉन्ग लॉन्ग बैक एंड मोस्टली आदित्य की, एंड इवन आई वेयर मेन्स वॉचेस, सो मैं भी इसमें से ले लेती हूँ। आई थिंक आई शुड टेक वन, दिस वन, दिस इज़ गिफ्टेड टू मी बाय आदित्य। दिस इज़ काजन की वॉच विच आई यूजली वेयर लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यस, दिस इज़ द वॉच। मेरे को लगता है मैं एक ही ले जाऊँ और दूसरी ये रोज़ गोल्ड ले जाऊँ। वट डू यू से यार, दोनों नहीं मैं नहीं लेके जाना चाहती एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज यार संभालनी पड़ती है, और ये दोनों ही दिस विल मैच, एंड इफ आई नीड टू वेयर समथिंग सिल्वर तो ये वाली मैच कर जाएगी। यस, ये मैं पहन के चली जाऊंगी और ये मैं लेके चली जाऊंगी। आई एम नॉट डूइंग दिस टाइम एनीथिंग टू माई नेल्स, बिकॉज काफ़ी मैंने अपने नेल्स के साथ एक्सपेरिमेंट पहले किए हैं, एंड आई डोंट थिंक कि अब ये कुछ भी बाहर सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें मैंने बहुत बिगाड़ा है। So I'm not going to do, I have to go for eyebrow, so I'll go by 330. Yes, एक दो मेल करनी है। I am using a new product onto my skin. I will talk about it soon. Maybe after 10 days while मैं अपने ट्रिप में भी वो टेस्ट करती रहूँगी, अपने फेस पे लगाती रहूँगी, एंड देन आई टॉक अबाउट इट सून। तो ये मैं सोचा कि मैंने एक दिन में यूज़ करके बताया, मैं इसे काफ़ी टाइम से टेस्ट कर रही हूँ अभी। ओके, सो आई टॉक अबाउट इट, एंड आई थिंक आई टेक दिस वॉच विथ मी। यस, इट्स गोल्डन, इट्स वेरी लाइट वेट, एंड हाँ देखो ये इतनी लूज है मुझे, यू सी दिस, आई डोंट लाइक, मेरे को ये टाइट करवानी है, तो मैं ये अभी जाके आदित्य के साथ टाइट करवा दूंगी, या मैं आदित्य को फ़ोन करके पूछती हूँ कहाँ है, बिकॉज ड्राइवर अंकल घर है आज, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये काम करवा दूँ। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, तो जब भी या तो मेरा ऑटो जिंदाबाद या ड्राइवर अंकल होते तो आई प्रेफर टू गो विथ ड्राइवर अंकल, तो आज वो हैं घर, सो लेट्स सी। मुझे पुलाव बनाना है बिकॉज मैंने पुलाव खाना है अभी। आज हमारा सगन था आज रात को, आज हम सुबह ही आए थे, मैं सो गई थी अभी, एंड फिर तैयार होने गई थी बाय 3:30 में तैयार होने चली गई थी, तो आई टॉक टू यू आफ्टर सम टाइम। सो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं व्लॉग कर रही हूँ, दैट्स रियली वेरी बैड।
एंड नाउ आई एम ईटिंग पुलाव, क्योंकि सारी सब्जियां घर पे खत्म है ना, हमें कल निकलना है तो मैं ज़्यादा कुक नहीं कर रही, जो इजी और जल्दी बन जाए थोड़ा सा ही बने उतना ही ठीक है। ऐसा होता होगा यार, आप लोग भी अगर ट्रैवल करते होंगे, यूजुअली लड़कियों का दिमाग इन चीज़ों में बहुत चलता है, एंड दैट टू आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज आई यूज्ड टू नेवर सी ऑल दीज थिंग्स। सो आई एम जस्ट ईटिंग एंड आई हैव टू गो टू पार्लर नाउ, कब से रोना रो रही हूँ यार, तुम भी सोचोगे कितना रोती है, तो मुझे जाना है। एंड मेरी एक बात भी चल रही थी एक टीम से, तो उसमें भी काफ़ी कुछ वही मैं बात कर रही थी, तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो वही प्लस नथिंग एल्स यार, इतना ही है अभी के लिए अपडेट, बट आई विल कीप यू इन ट्रैक। अभी मेरे कपड़े अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, मेरे कपड़े कब आएंगे। चलो आई लीट माई लंच एंड आई हैव टू गो। सो यू सी दिस रियलिटी ऑफ PCOS, ये है। अब मैं ठंडा दूध लगाऊंगी जस्ट बिकॉज इट्स इचिंग एंड इट्स रियली हर्टिंग मी। गलती किसी की नहीं है, द हेयर इज सो थिक दैट शी हैड टू डू, और मैंने इस टाइम काफ़ी गैप रखा था फॉर गेटिंग इट डन। आदित्य के वहाँ शादी थी कज़िन की, तभी करवाया था, तो मैं भी ठंडा दूध और मुल्तानी मिट्टी लगाऊंगी टू गिव इट लिटिल कामनेस। हाय गाइस, खुशबू का मडी पैक लगा हुआ है। मैंने बताया था क्योंकि मेरे ये देखो इतना लाल हो गया इस बार, ये देखो क्या मैंने दिखाया था, ये तूने क्या कराया था, थ्रेडिंग से लाल हुआ है। हाँ, तो फिर और किससे कराऊं, क्या कराती हूं मैं तुम्हें पता नहीं है, थ्रेडिंग से लाल हुआ है। तो इसको वैसे इसके लिए हैक है, हमने एक वीडियो बनाई हुई है खुशबू ने, अगर आपने नहीं देखी लिंक इधर डाला हुआ है, जाके चेक करो। और खुशबू एक्साइटेड है नहीं है जाने के लिए? नहीं। हाँ ये देखो, क्योंकि जाना कहीं और था और पहुंच कहीं और रहे हैं। हाँ तो जाना, मेरा भी जाने का मन वहीं था, बट वहाँ ठंड बहुत है, क्या करें। गेस करो अगर आपको पता है हम कहाँ जाना चाहते थे, गोवा तो कॉम्प्रोमाइज है ना, ठंड की हाँ फिलहाल के लिए ठंड, क्योंकि वो पोस्टपोन करना पड़ा बिकॉज वहाँ ठंड है। गेस करो, एक हिंट देता हूँ, इंडिया से बाहर ही है। चलो जो भी है, चलो मैं वैसे गोवा के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, इवन वहाँ जो हमने एक स्टे लिया हुआ है आपको वहाँ जाके बताएंगे, तो देखते रहना व्लॉग। एक्चुअली आई होप वो जगह बहुत मस्त होनी चाहिए, अभी हमने बुक कराई है, बड़ी सही जगह है। ये देखो कितना सही हो गया, क्योंकि इस बार बहुत टाइम बाहर निकाले। तू कुछ टोनर नहीं लगाती के बाद में? वो क्रीम लगाती है, बट इस बार ना बहुत टाइम बाहर निकाले ना, सनिल के उसमें शादी में ही तो निकालते हैं, महीना होने वाला है। अब 5-10 मिनट बाद में वीडियो शूट है। आज ये मेरा OOTD रुको यहां से दिखाता हूं। अरे के फादर ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया इसलिए दिखा रहा है। आज ये मेरा OOTD, आज मेरे को सब लोगों ने कहा आपकी स्वेटर बड़ी अच्छी लग रही है। सब लोगों में एक ही जने ने कहा है? तो उस दिन कह चुकी ना, मैंने नहीं कहा। जो भी यार मैं एक्साइटेड हूँ, अभी पैकिंग कुछ भी नहीं करी है, कुछ भी नहीं। कपड़े आए हैं, पूछो नीचे। कपड़े आ गए होंगे, मैं देख के आता हूँ। अभी सबसे पहले जो काम हमने पूरा करना है, खुशबू ने दो वीडियो शूट करनी है, अभी एक ही है, एक वीडियो शूट करनी है, तो मैं अभी सेटअप पूरा लगाने वाला हूँ बाहर। तो खुशबू ने सबसे पहले चल ठीक है, लेकिन प्लीज कर लियो, देख 5:20 हो चुके हैं, क्योंकि हमें क्योंकि हमें 7 बजे की क्लास में भी जाना है, तो इस बीच में खुशबू ने वीडियो भी शूट करनी है, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि उसे मेकअप भी अप्लाई करना पड़ेगा, एंड फिर थोड़ा सा ही करना है, एंड फिर थोड़ी पैकिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। अभी से मैं थोड़ी सी स्टार्ट करूंगा, थोड़े कपड़े प्रेस होने गए हुए थे। चलो गाइज, थोड़ी देर अभी बीवी के साथ बैठ के कुत्ती के मिनी टॉक्स कर लें, फिर आपसे बात करते हैं, बाय। हाँ जी श्रीमती गुप्ता जी, अभी खुशबू का कोई डॉक्यूमेंट साइन होने था, उसका खुशबू का नाम लिखा था श्रीमती खुशबू गुप्ता जी। मैं ढूंढ भी नहीं पाया। और जैसे पापा ने कहा कि बेटा आपके साइन होने, तो खुशबू करी कहाँ लिखा नाम करी, लिखा तो है, तो खुशबू ने कुछ कहा श्रीमती, मतलब कभी ध्यान ही नहीं दिया एकदम। श्रीमान जी, श्रीमान जी वैसे होता है, लेकिन श्री लिखते हैं सिर्फ। ऐसे मत करो, मुझे पता था वो श्रीमान जी श्रीमती जी एक हाँ। था। अरे आज इतना डार्क क्यों हो रहा है, ब्लैक चल रहा है। चलो गाइस आज व्लॉग एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बिकॉज बहुत अभी इतना सारा काम बाकी है। ये जो व्लॉग आप देख रहे हो,
ये अभी एडिट होना है और मंदिर भी एक बार हो गया ना, बिकॉज कल हम गोवा के लिए निकल रहे हैं, आप सब जानती हो। तो ये व्लॉग एडिट होना है, एक वीडियो और एडिट होनी है, पैकिंग पूरी करनी है, बिल्कुल मेरे को तो पूरी करनी है, खुशबू को भी पूरी करनी है, कपड़े आ गए थे प्रेस के, एंड बहुत सारा काम है। सबसे पहले फटाफट खाना बना रहे हैं, खाना हम टाइमली खा लें फिर सारे काम करते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सो भी जाए, बिकॉज फिर सोना क्यों है, 4 घंटे की फ्लाइट है बेटा, 4 से 5। मेरे को फ्लाइट में सोना नहीं पसंद, मेरे को फ्लाइट में मूवी देखना पसंद है। मैंने मूवी डाउनलोड कर लिया, मैं नेटफ्लिक्स में मुझे अभी कुछ मिला नहीं, देखूंगा मैं, मैंने ऐसे एक दो तार रखी हैं। चलो गाइस ये एंड करते हैं, ओके गाइस, हाँ रुको तो सही, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बटन लाइक एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हो रहा क्या था, बाय। आज मेरी तरफ से पप्पी ले लो, पप्पा ले लो।